बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी में 46 रन पर सिमटने के बाद टीम इंडिया से शायद ही किसी को वापसी की उम्मीद रही होगी, लेकिन अब सरफराज खान के शतक ने उम्मीद की लौ जगा दी है। सरफराज ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमाते हुए न्यूजीलैंड की नींद को उड़ाने का काम किया है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में भारत के खिलाफ 356 रन की बढ़त बनाई थी। सरफराज के शतक की बदौलत टीम इंडिया कीवियों की उस बड़ी बढ़त से अब उभरती दिख रही है। सरफराज खान ने बेंगलुरु टेस्ट में 109 गेंद में अपना शतक पूरा किया। ये शतक उन्होंने 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से लगाया। सरफराज खान के टेस्ट करियर का यह पहला शतक है जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने अपने चौथे टेस्ट मैच में लिखी है। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 3 अर्धशतक दर्ज थे। सरफराज खान पहली बार पारी में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन दूसरी पारी में वो हीरो साबित हो रहे हैं।